राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर। एक दिन की बात है, ललिता सखी वन से बेली चमेली आदि के पुष्प चयन कर रही थी और सुंदर फूलों के हार बना रही थी। हार पूर्ण हो जाने पर ललिता सखी उसे बिखेरती और फिर से गूथने लगती। वे ऐसा बार बार कर रही थी और कहीं वृक्षों की ओर से देवर्षि नारद ललिता सखी को देख रहे थे। ललिता सखी के पास नारद मुनि पहुंचते हैं और उनसे हार को बिखेरने और दोबारा गूथने का कारण पूछते हैं। इस पर ललिता सखी कहती है कि मैं हार गूथना पूर्ण कर लेती हूँ तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि श्री कृष्ण के लिए यह हार छोटा या बड़ा हो जा रहा है, इसीलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। देवर्षि नारद कहते हैं, यहाँ पास में ही तो श्री कृष्ण खेल रहे हैं, अपने सखाओं के साथ हैं। आप क्यों ना श्री कृष्ण को बुलाकर यहीं बिठाकर उनका नाप ले ले। दोस्तों, ऐसा सुनकर ललिता जी ने श्री कृष्ण को बुलाया और उनके अनुरूप सुंदर माला गूथने लगी और श्री कृष्ण को माला गूथ कर पहना दिया। इसके बाद श्री कृष्ण ललिता सखी के साथ बैठकर श्री राधा की प्रतीक्षा करने लगे, क्योंकि राधिका ने ललिता से पहले ही ऐसा कहा था कि तुम हार बनाओ, मैं तुरंत आ रही हूँ। किंतु उनके आने में कुछ विलंब हो गया था। सखिया उनका श्रृंगार कर रही थी। नारद ने पहले ही श्री कृष्ण से ये वचन ले लिया था। वे ललिता सखी और श्री कृष्ण युगल को एक साथ झूले पर देखना चाहते हैं। अतः आज अवसर पाकर उन्होंने श्री कृष्ण को उस वचन का स्मरण कराया, ललिता सखी के साथ झूले पर बैठने का अनुरोध किया। नारद मुनि के अनुरोध पर श्री कृष्ण ने ललिता सखी के साथ झूले पर बैठना स्वीकार कर लिया। ये देखकर देवर्षि नारद अत्यंत प्रसन्न हुए और वे ललिता कृष्ण की जय हो, ललिता कृष्ण की जय हो, ये कीर्तन करते हुए श्री राधा के निकट उपस्थित हुए। जब श्री राधा ने देवर्षि से पूछा कि देवर्षि, आज आप बड़े ही प्रसन्न लग रहे हैं, ललिता कृष्ण की जय गान कर रहे हैं, कुछ आश्चर्य बात अवश्य है, आखिर बात क्या है? तब नारद मुनि मुस्कुराए और बोले, क्या सुंदर दृश्य है, श्री कृष्ण सुंदर बनमाला धारण किए ललिता सखी के साथ झूला झूल रहे हैं। ये सुनकर श्री जी को विश्वास नहीं हुआ। उस वक्त देवर्षि नारद ने कहा कि आप स्वयं चले और अपने नेत्रों से देख ले। परंतु देवर्षि नारद के वचनों पर विश्वास ना करते हुए श्री राधा जाती है और स्वयं देखती है। ललिता और श्री कृष्ण को एक साथ झूले पर बैठा देख श्री राधा मान कर लेती है और वहाँ से चली जाती है। इधर श्री कृष्ण श्री राधा को आने में विलंब देखकर श्री जी के पास जाते हैं और श्री जी का मान भंग करते हैं। जिस जगह ये लीला हुई थी वहाँ पर ललिता कुंड ब्रज में नंदगांव के पूर्व दिशा में है। ये सूर्य कुंड के पूर्व दिशा में हरे भरे वनों के भीतर एक बड़ा रमणीय सरोवर है। ये ललिता सखी के स्नान करने का स्थान है। कहा जाता है कि कभी कभी ललिता सखी श्री राधा को यहाँ पर ले आती और श्री कृष्ण श्री राधा का मिलन करवाती। दोस्तों, व्रज में घटे ऐसे ही सुंदर लीलाओं को जानने हेतु आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट सेक्शन में राधे कृष्ण लिखना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।